हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हूं। तो मैच को एक वीडियो लेके तो इस वाले गेम प्ले में शानदार कोई हैकर मार देगा, फिर हम उससे बदला लेंगे। बदला क्या यार, सबक सिखाएंगे कि भाई कितनी भी हैकिंग पैकिंग कर लो, रहने क्लोज रेंज में नू भी हो तो देखो तुम्हें मजा आएगा। पहले तो तुम्हें थोड़ा प्रूफ दे देते हैं, कभी तुम ये कहोगे भाई वो हैकर ही नहीं था, ठीक है? तो थोड़ा प्रूफ देते हैं कि भाई देखो मेरे किल कितने हैं, ठीक है? बंदा नहीं मिला भाई, पूरे मैप में गाड़ियां घुमाती नहीं मिला। और यहां पे देखना, शानदार गेमर एक गोली में गया है, ठीक है? और ना इसके हेड पे गोली का निशाना है ना कुछ। एक M4 की गोली में बंदा कैसे मर सकता, फुल हेल्थ के साथ लेवल 2 का हेलमेट था, ठीक है? तो ये मेरे ऊपर भी रश कर देते हैं क्योंकि सब कुछ दिख रहा होगा ना कहां बंदा है क्या सीन है। तो अब देखो कैसे निपटाते हैं, एंजॉय करो तुम बस। ये सीढ़ी पे मैं बोल रहा, सीढ़ी पे। बॉम्ब फेंक रहा, बॉम्ब फेंक रहा, आप पे बॉम्ब फेंक रहा। वाह वाह, गजब फाड़ दी। तो गाइस वही हैकिंग वगैरह मत करो, अपने गेम प्ले को सुधारो क्योंकि क्लोज रेंज में तुम फिर भी नूबी रहने हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये बंदा था, इसको मैं नोक करता हूँ। फिर ये बंदा मेरे पे नेड फेंकने वाला था, उसको भी जल्दी से नोक कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेड का डैमेज पड़ जाता। अच्छा मैं पीछे आ गया, नहीं तो पूरा फट जाता मैं यहाँ पे। तो भाई करते हैं रश इनके ऊपर। तो यहाँ पे बोर्ड दादा था पीछे, इनको भी निपटाता हूँ। ये बंदा है उधर भाग के जा रहा था, कोई बोट उधर गोली चला रहा था, उसे मारने के लिए जा रहा है, क्या सीन है? तो गाइस वो ये भाई बोट पे ध्यान मत दो, असली बंदों पे ध्यान दो, ठीक है? बोट वगैरह को बाद में मारना यार, बोट दादा वैसे अपने अच्छे हैं, कुछ कहते नहीं है। तो पहले असली बंदों को मारो, फिर बोट दादा को निपटा दो। तो मैं फर्स्ट एड वगैरह करता हूं, लेकिन बोट दादा यहां पे आ जाते हैं और मेरे को मारने लगते हैं। वो भी हल्का हल्का डैमेज देते हैं यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई निपटाते हैं इन्हें भी। तो यार मैं सोचा था जोर जोर से निकलते हैं, एक बग्गी से चमक रही थी प्यारी सी, मैं सोचता हूँ निकलता हूँ, लेकिन भाई एक बंदा इस पे मतलब कैंप करके बैठा था कि जैसे कोई बग्गी है बैठेगा कर देंगे खत्म। तो भाई निपटाते हैं इसे भी। तो गाइस हम आ चुके हैं आप सबकी फेवरेट जगह, मेरी फेवरेट जगह, जितने भी कैंपर्स हैं उनकी फेवरेट जगह, पोचिंग की में। तो यहाँ भैया मेरे ऊपर कार 98 से मारने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छा हो मतलब फेल हो गया वो, नहीं तो यहीं पे मैं लुढ़क जाता, लेवल 2 का हेलमेट वैसे है। तो ये बंदा देख रहा होगा इस कॉन्फिडेंस, मतलब एक बंदा नहीं देखा, बंदा भगा भगा रहा है गन पीछे करके, भाई आज तो मैं निपटाऊंगा, अकेला बंदा है, नूब को मारेंगे मजे में। गाइस वो ये भाई अकेले बंदे को भी कभी हल्के में मत लिया करो भाई, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो यहाँ पे वो बंदा ब्रोकन वॉल पे आ चुका है इसका दूसरा वाला, और भाई मेरे पर रश कर देगा फ्री फायर के साथ, लेकिन भाई क्राउच एंड शूट जिंदाबाद है यार अपना। और लास्ट बंदा इधर से भग के आ रहा है, उसको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, वो सोच रहा है मैं वहीं पे हूँ अभी। तो कर देते हैं इसे भी खत्म। तो इन बंदों से मेरे को अच्छी अच्छी लूट मिल जाती है, तो भाई लूटते हैं जल्दी से। तो गाइस अब आज को स्कूल में पोचिंग की हमने खाली कर ही दिया है, तो थोड़ा राउंड लगाते हैं, देखते हैं फुटस्टेप्स आएंगे तो मारते हैं बंदे फिर। तो यहाँ पे फुटस्टेप्स भी आ चुके हैं और बंदा मतलब दिख भी चुका है जो कि कूदा फांदी कर रहा है उधर की तरफ, तो निपटाते हैं इसे भी। तो बंदा भैया मेरे पे जंप लगा चुका था, लेकिन भाई खत्म करते हैं इसे जल्दी से और फिनिश कर दूंगा पूरा। तो यहाँ पे मैं बहुत ढूंढता हूँ एक बंदे के, मेरे को फुटस्टेप्स आए थे लेकिन बंदा नहीं मिलता। तो आगे की तरफ इतना गन फायरिंग होने लगती है, तो भाई चलते हैं उधर। तो ये बंदा यहाँ पे बैठा था, लेकिन जैसे मैं मारता हूँ एकदम भैया पीछे हो जाते हैं। तो मैं उनकी तरफ जाने की सोच रहा था कि घरों के अंदर से जाऊंगा क्योंकि सामने से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन भाई साइड में एक बंदा फ्लैंक करके बैठा है जो कि दिक्कत दे देगा। तो पहले भाई इस पे थोड़ा ध्यान देता हूँ मैं। तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज देता हूँ, लेकिन यार बंदा बच जाता है। और यहाँ पे मैं ऊपर रश कर देता हूँ इतने में, तो यहाँ पे दो बंदे थे जो कि नीचे कूद चुके हैं। तो गाइस जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा तगड़े वाली है, अब देखना मैं कैसे यहाँ पे क्लच करूँगा। ये चीज़ मैं कई बार कर चुका आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है? यहाँ पे बंदा नहीं सोचेगा कि आप यहाँ पे बैठे हो, तो वो आके एकदम फ्री फायर के साथ घुसता भी है, तो वो आके जंप करके आपको देखेगा घुस के, लेकिन भाई आप जब मिलोगे ही नहीं तो बेचारा थोड़ा सा उसका एम बिगड़ जाता है, और भाई इतनी देर में तो तुम कर दोगे यार खत्म।
तो ये बंदा भी भगा भगा आता जल्दी से, मतलब इसको भी मतलब मिर्ची लगी होगी भाई मेरे बंदे को कैसे नोक कर दिया। तो इस बंदे को जंप एंड शूट से निपटाता हूँ, फिर ये बंदा नीचे कूद जाता है तो भाई कर देते हैं सभी खत्म। तो यहाँ मैं मस्त लूट रहा था लेकिन भाई साइड से कार 98 का फटका पड़ता है जो कि मेरे को नहीं लगा, कान के साइड से गई है, दीवार में लग गई गोली। तो यहाँ मैं सोचा था पोचिंग की चलते हैं दोबारा, मतलब जोन बन चुकी थी पोचिंग की वजह से निकल के जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है और भाई वो गाड़ी भैया भगे जा रही थी तो मैं भैया पीछे लगा लेता हूँ। मुझे लगा एक ही बंदा होगा लेकिन भाई जब मुझे लगता है कि भाई तीन बंदे भाई मैं घुमा लेता हूँ, लेकिन इतना भैया पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब देखो कैसे निपटाते हैं उन्हें। तो गाइस इन बंदों के साथ तो स्कैम हो चुका है, बेचारे सोच रहे थे एक बंदा निपटाते हैं जल्दी से लेकिन खुद ही निपट गए। तो यहाँ पे गन फायरिंग की आवाज़ आ रही थी लेकिन मैं नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका था, लेकिन क्या पता भाई उसकी पूरी स्क्वाड वहाँ पे कुंडली मार के पड़ी और भाई मेरे को खा जाए एकदम से। तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ घरों की तरफ एंगल लेने, देखता हूँ उन बंदों को। तो एक नंगा पुंगा बच्चा तो यहाँ पे खड़ा था, मेरे को नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने टीम अप वगैरह करी है फिर इनका बंदा AFK था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, मतलब जैसे ये मतलब टॉर्चर कर रहा हूँ किसी बंदे को कि भाई कपड़े उतार जब ही छोड़ेंगे तेरे को, ये किसी और टीम का हो। यहाँ पे फुल 6x का स्प्रे करता हूँ, कामयाब तो नहीं होता लेकिन दो गोली लग जाती है बंदे में। तो यहाँ से भैया बग्गी जा रही थी उसको मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन एक ही गोली लगती है क्योंकि बैरिल है भाई, बैरिल नहीं मतलब सही चीज़ है स्प्रे करने के लिए। तो ये बंदा भी दिखता है मेरे को, मैं मारने की सोचता हूँ लेकिन पेड़ के पीछे चला जाता है। तो भाई देखो कैसे निपटाते हैं अब। तो बंदे को मैं बहुत ज़्यादा लो कर चुका था तो इसलिए भैया उसे निपटाते हैं जल्दी से। फिर सारे बंदे यार जोन में जाने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो इस बंदे को मैं फिनिश कर दूंगा, ये रिवाइव नहीं हो पाया था। और यहाँ भैया कुछ बंदे मेरे पे रश कर देते हैं जिनके फुटस्टेप्स आए, तो यार मैं सब मारने की सोच रहा हूँ लेकिन पीछे से कार 98 का फटका पड़ता है तकड़े वाला। तो यहाँ मोली कर देता हूँ कि मोली से बंदा मर जाए, लेकिन भाई मुझे नहीं पता यार मेरा किल चुरा लिया या फिर जोन नहीं मतलब मार दिया। तो यहाँ थोड़ा स्मोक कर लेता हूँ क्योंकि भैया बग्गी ले जानी थी, बचना था। तो यहाँ पे स्मोक में गोली मार देते हैं वो मेरे को, वो तो अच्छा भाई बच गया, हल्की हेल्थ थी, अगर बहुत कम हेल्थ होती जोन की वजह से भाई खत्म था मैं कसम से। तो थोड़ा कवर मारते हैं, फर्स्ट एड वगैरह करते हैं और भाई देखते हैं बंदों को। तो इस बंदे को तो हेडशॉट देता हूँ जल्दी से और दूसरे वाले को भी यार देता हूँ, लेकिन यार वो हिल रहा था और हल्का सा आगे हो जाता, मतलब उसके कान के नीचे लगी हुई गोली, लेकिन हेडशॉट रजिस्टर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार यहाँ पे वो मर जाता, वैसे मेरा गेम निकल जाता है। यहाँ पे देखो मैं कितनी बड़ी गलती करूँगा। भाई यार जोन को प्रायोरिटी दो, लेकिन यहाँ पे मैं गलती कर दूंगा, मैं सोचा इस बंदों को निपटाता हूँ जल्दी से फिर निकल लेंगे। ठीक है यहाँ पे मेरे को नहीं पता था भाई जोन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है तो मैं मजे में मतलब इन पे ध्यान दे रहा था क्योंकि यार जब गेम चल रहा होता है ना बाद में तो हम सोचते हैं कि भाई ये कर देते वो कर देते, लेकिन भाई जब गेम चल रहा होता है ना जब इतना ध्यान नहीं होता एक दो चीज मतलब निकल जाती है दिमाग से, तुम्हारे साथ भी होता होगा मतलब जल्दबाजी में नहीं कर पाते होंगे वो सब जो कि तुम बाद में सोचते होंगे भाई यहाँ पे ये कर लेना चाहिए था, तो उसे कहते हैं भाई अपनी गलतियों से सीखना। तो यहाँ पे मैं जोन में खड़ा हूँ मस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ मेरे को पता चल चुका भैया जोन आ चुकी है, लेकिन ये नहीं पता था भाई बहुत गंदी खाएगी अगले वाली। यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत कम जा रही थी, मैंने फुल बूस्ट लगा लिया कि चलो और कम हो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इन बंदों का वेट करने लगा। लेकिन गाइस जब नेक्स्ट जोन बन जाएगी ना भाई इसमें मतलब कहां से इतनी जान आ गई भाई, जोन मतलब पूरी हेल्थ खाने लगते बहुत बुरी तरह और यहाँ भैया हम जोन का शिकार बन जाते हैं। वो तो अच्छा उन बंदों को खैर मार के गया हूं मैं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था।
तो बंदे भैया उधर चले गए थे, नीचे से उतर के गए हैं, क्या सीन है भैया, गायब होकर चले गए उधर, कुछ नहीं पता। तो इस बंदे को मैं नोक करता हूँ जल्दी से, और ये भैया जोन से खत्म हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ बग्गी लेके निकलूँ, लेकिन भाई नहीं हो सकता यार, कुछ भी मतलब गलती कर चुके तो भाई कर चुके। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लो, जो नए बंदे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। We'll be right back.